नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं जामताड़ा शहर में विगत 24 सालों से एक खास तरह का झंडा तोलन समाजसेवी राजेंद्र राउत के द्वारा जामताड़ा शहर पटेल चौक पर मनाया जाता रहा है, जिसमें खास बात यह है कि हर बार जो गरीब व्यक्ति शराब न पीता हो और अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजता और समाज के प्रति संवेदना रखता हो, उनके द्वारा ही झंडा तोलन किया जाता है। इस बार एक रिक्शा चालक जिसका नाम मनभूरा बावरी है, उनके द्वारा जामताड़ा के पटेल चौक में झंडा तोलन किया गया, जिसमें शहर के कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें, जामताड़ा के समाज सेवी और भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता राजेंद्र राउत के द्वारा करीब 24 वर्षों से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा तोलन कराया जाता है। और आपको बता दें कि राजेंद्र राउत खुद से आगे आकर झंडा को सजाना, गड्ढा करना और सारा कार्य खुद करते हैं, जिसमें उनके सहयोगी के तौर पर अंश राउत, मधुकांत गुप्ता, दीपक नारनोलिया, पिंटू नारनोलिया, प्रदीप राउत, सुबोध राउत जहां शामिल होते हैं। जहां एक और नेता हो या समाज सेवी या अधिकारी खुद से झंडा तोलन करते हैं, वहीं राजेंद्र राउत खुद से आगे ना आकर साल भर वैसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो शराब ना पीता हो और अपने बच्चों को स्कूल भेजता हो, उनसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को झंडा तोलन करवाते हैं और समाज में एक मैसेज देते हैं कि यदि इस तरह का आयोजन समाज के प्रभुत्व लोगों के द्वारा कराया जाए तो लोगों के अंदर देश के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। तो आइए हम सुनते हैं कि आखिर राजेंद्र राउत इस आयोजन को लेकर क्या कहते हैं और इस आयोजन को विगत 24 सालों से कराने के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, 2000 से हम यहाँ झंडोत्तोलन करवाते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है ऐसे व्यक्ति तक राष्ट्र प्रेम जगे, राष्ट्र भावना जगे। हम ऐसे ही व्यक्ति से, समाज के जो नीचे पायदान में है, ऐसे ही व्यक्ति से हम झंडोत्तोलन करवाते हैं। जो रिक्शा वाला हो, स्वीपर हो या मजदूरी का काम करता हो, जो शराब ना पीता हो, अपने बाल बच्चे को स्कूल में पढ़ाता हो, ऐसे ही व्यक्ति का हम चयन करके यहाँ झंडा उत्तोलन का हम उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते हैं और झंडा उत्तोलन करवाते हैं। क्या करते हैं सर? इसका चलाते हैं। आज कैसा लगा झंडा फहराए? बहुत आनंद लगा। कभी सोचे थे झंडा फहराए? नहीं। तो किसके सोचने से ये हुआ? हमारे इसका नाम का नाम राजेंद्र बाबू, कोई हमको बुलाया है, यही आप बैठे हुए थे मोड़ में। जब से झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ, तब से विगत 24 साल से राजेंद्र राउत जी के नेतृत्व में यहाँ पर झंडा उत्पोलन किया जाता है। और जैसा कि यहाँ पर एक मतलब बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ किया जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हो, चाहे रिक्शा चलाते हो, चाहे और भी मजदूर हो, वो उन्हीं के हाथों में झंडा उत्तोलन किया जाता है। और इसी अनुरूप आज मन भूरा बावड़ी के द्वारा झंडा उत्तोलन किया गया, जो कि एक रिक्शा चालक है और जो कि अपना बच्चा को स्कूल में पढ़ाता लिखाता भी। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।